13 साल तक ली स्ट्रॉबल शिकागो ट्रिब्यून के लीगल एडिटर रहे हैं। ये एक नास्तिक रहे हैं। जब इनकी पत्नी ने यीशु को स्वीकार किया तो ये 2 साल तक खोज करते रहे कि मसीहत को गलत साबित करें, लेकिन इसके बजाय सबूतों के कारण ये खुद विश्वासी हो गए। इन्होंने इन सबूतों के बारे में अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द केस फॉर क्राइस्ट में लिखा, लेकिन हाल ही में नए स्पष्टीकरणों ने यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सवाल उठाए हैं। तो ये इस नई थ्योरी के सबूतों के बारे में खोज करने लगे और आज आप सुनेंगे कि इन्होंने क्या पाया है। तो द जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष भाग में जुड़ जाइए। प्रोग्राम में स्वागत है। हमारा प्रोग्राम अद्भुत है क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हैं ली स्ट्रोबल। ये बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और 13 साल से ये शिकागो में रहते आए हैं और ये तो शिकागो ट्रिब्यून के लीगल एडिटर रहे हैं। और उस समय ये नास्तिक थे, ये प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। इनके लिए ये विश्वास करना अजीब था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। इनकी पत्नी विश्वासी हो गई और इन्होंने द केस फॉर क्राइस्ट का अध्ययन करना शुरू किया ताकि इस बात को साबित करे कि वो सब कुछ गलत है। और इन सबूतों ने इन्हें मसीह के पास लाया। हम उन सबूतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके कारण ये यीशु के पास आए और वो बेस्ट सेलिंग बुक भी हो गई। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे जो कि पिछले कुछ साल में उस पर नए हमले हुए हैं, जिससे आधुनिक विद्वानों ने इसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विरुद्ध में लेकर आए हैं। वो कौन है, वो क्या कह रहे हैं, इसे हमने पिछले हफ्ते शुरू किया, इस हफ्ते आगे देख रहे हैं। ये विख्यात बात है जो आपने पहले सुनी है और ये सवाल आपके मन में उठते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारी बातों में हमारे साथ बने रहेंगे। ली, मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। तो चलिए यहाँ इन विचारों को यहाँ पर देखते हैं, या कहिए ये मनगढ़ंत थ्योरी है जो रखी गई है, ये बात कि यीशु सच में मुर्दों में से जी उठा है। और हमने 5 सत्यों के बारे में बताया जिनके बारे में सभी दोष निकालने वाले इन दिनों में विश्वास करते हैं। और हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर ये 5 सच्चाई हैं तो ये सबसे अच्छा विवरण है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। तो ये 5 सच्चाई क्या है, फिर से बताइए। कि यीशु को मारा गया, चेलों का यह विश्वास कि यीशु क्रूसीकरण के बाद उनके सामने जीवित प्रस्तुत हुए, अर्थात उनका पुनरुत्थान हो चुका था। शाउल जो कि मसीहियों को सताने वाला था, पौलुस में तब्दील हुआ। फिर एक और संदेहवादी याकूब का उद्धार पाना। मसीह के जीवित रहते तो ये उनके पीछे नहीं चले, पर बाद में जब उनका सामना पुनरुत्थित मसीह से हुआ, वे कलीसिया के अगुवे बने। और फिर वह खाली कब्र जो लगभग 75% विद्वान मानते हैं एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। ठीक है, ये जो मुद्दा है जो आधुनिक बुद्धिमान उठाते हैं खाली कब्र के बारे में, और वो कहते हैं कि वो इसीलिए खाली है, ये इसलिए नहीं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। और वो इसके लिए स्वाभाविक विवरण देते हैं कि सारी बातें संसार में कैसे काम करती हैं, ये कुछ और ही बात होगी। और वो इसके बारे में इस तरह से हमें बताते हैं कि यीशु की देह जो है वहां से निकाली गई उनके परिवार के सदस्य या किसी और के द्वारा। इसके बारे में बताइए। कहने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरे लिए यह बेवकूफी भरा कथन है, क्योंकि यह ऐसा कहना है, ओ मसीहत तो एक गलती है, अरे ये तो केवल हवा की बातें हैं, कोई वास्तविकता नहीं। जरा एक मिनट इस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले वह व्यक्ति जो इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, जेम्स टेबर, जो कि एक सम्मानित नास्तिक प्रोफेसर हैं, और वे इस प्रकार का अध्ययन करते हैं, जो स्वयं एक अभौतिक प्रकृतिवादी हैं, अर्थात अलौकिक संभावनाओं को शुरुआत से ही वे नकार देते हैं। और क्योंकि उनके लिए यह असंभव है, खासकर दार्शनिक तौर पर उनके लिए असंभव है कि पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी स्पष्टीकरण वे दें, मुझे नहीं लगता वह पर्याप्त हो सकता है। और मुझे तो यह बड़ा बेवकूफी भरा बयान लगता है कि शरीर के दफनाने के बाद परिवार या किसी और ने शरीर को हटा दिया, इसीलिए कब्र खाली है। जरा ठहरिए, यह क्या कोई स्पष्टीकरण है? अरे स्पष्टीकरण में तो हम कितनी त्रुटियां गिना सकते हैं। नंबर एक, जरा सोचिए, अगर परिवार वालों ने शरीर हटा दिया है और शिष्य यहां प्रचार कर रहे हैं यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं और विश्वास के लिए जीवन तक देने को तैयार हैं, शायद वे आकर कहते हैं, आप गलत कर रहे हैं, हमने शरीर को हटा दिया, वो यहाँ पर है। पर नहीं, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, यह बेहुदा है। और फिर नंबर दो, स्वयं यीशु के शिष्य और उनके अनुयायी असमंजस में थे खाली कब्र की वजह से कि क्या वे वास्तव में जी उठे हैं। हाँ, यूहन्ना और कुछ एक को छोड़ दें तो, पर उन्हें यकीन कैसे हुआ? पुनरुत्थित मसीह से उनका व्यक्तिगत मिलन। और यह स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत है। जॉन, बड़ी समस्या यह है, ऐसे कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक भी हैं जो पूरी तरह अभौतिक प्राकृतिज्ञ हैं, इसलिए अलौकिक संभावनाओं को वे सिरे से नकारते हैं, यह कहते हुए कि प्रमाण दिखाओ। देखा, आप क्या इसे खुलापन कहते हैं? क्या बेहतर ये नहीं होता अपना खुलापन दर्शाने के लिए कि देखिए, मैं अलौकिक संभावनाओं के होने या ना होने पर टिप्पणी नहीं कर रहा,
पर मैं खुलेपन के साथ प्रमाणों को स्वीकारने को तैयार हूं। मेरे लिए यही होगा खुलापन, मेरे लिए यही होगा ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जवाब देना। और अगर ये तमाम प्रमाण आपको उस ओर ले जाते हैं, उस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि पुनरुत्थान हुआ है, मुझे हैरानी होती है। अगर आप बावजूद इन प्रमाणों के नकारना चाहें तो यह तो नाइंसाफी होगी। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एंटनी फ्लू एक काफी ख्याति प्राप्त नास्तिक प्राकृतिज्ञ, जैसे आपको मौका मिला उनके साथ बात करने का, मुझे भी मौका मिला था। उन्होंने एक महान साहसिक निर्णय लेने का निश्चय किया, सोच को बदलने का। नास्तिकतावाद को छोड़कर अब विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड की रचना में अलौकिक हाथ है। और एक शब्द जो उन्होंने मुझसे कहा मैं कभी नहीं भूल सकता, ली जहां मुझे साक्ष्य ले गए मैं वहां गया। मेरे लिए यह है ईमानदार व्यक्तित्व का प्रमाण। हाँ, जरूर असुविधाजनक स्थिति में पहुंचे। जीवन भर के अपने नाम, अपने रुतबे, वे 40 किताबें जो नास्तिकतावाद पर लिखी, इन्हें छोड़ना है और कहना कि मैं यकीन करता हूं अलौकिक सृष्टिकर्ता पर। हाँ, वे अभी तक मसीह नहीं है, पर शायद प्रभु के अनुग्रह से जल्दी हो जाएं। पर वे इस निर्णय पर पहुंच सके, क्योंकि जहां साक्ष्य उन्हें ले गए वे वहां जाने को तैयार थे। खैर, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, हमें ये मानना होगा कि विश्वासी होने के लिए कई बार हिम्मत लगती है। हाँ, इन लोगों ने यीशु के बारे में पूरा जीवन भर कुछ न कुछ कहा है, और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अचानक सच्चाइयों का वो सामना करने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर अब मैं विश्वासी हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, और इसके साथ आपको निपटना होगा। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, आप सही हैं। मेरे लिए भी एक बड़ा कदम था। 16 साल की उम्र से मैं नास्तिक था और बड़े गर्व से मैं अपने दोस्तों से ये कहता था। उनके विश्वास की वजह से अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था, फिर अचानक बदलना और कहना मैं गलत था। ये दिलचस्प है कि रिचर्ड कैरियर ने इन सारी बातों किस तरह से उल्टा किया, यानी चेलों के सामने यीशु जो प्रकट हुए हैं उसके बारे में देखना होगा तो कब्र का खाली होना संभव है। सही है, इसे प्रमाणित करने के लिए वे खाली कब्र का इंतजाम करेंगे। देखिए, कब्र के खाली होने के कई मजबूत प्रमाण हैं, खास करके जब हम यीशु के विरोधियों के मुंह से ही सुनते हैं कि कब्र खाली है। इसे समझाइए। हाँ, एक तरह से वे इस बात का स्पष्टीकरण देने सामने आए कि कब्र खाली क्यों है। मतलब यह हुआ कि कब्र में शरीर नहीं था। फिर कहते हैं रखवाले जब सो गए शिष्य शरीर चुरा ले गए। ये बड़ा ही बेबुनियादी स्पष्टीकरण है, ना तब किसी ने विश्वास किया ना अब कोई करता है। पर इससे यह जरूर साबित होता है कि कब्र खाली थी। अब यह तो स्पष्ट हो गया। अब अगला विचार कि शरीर को वहां से हटाया गया। अरे क्या मजाक की बात है, अगर ऐसा होता तो क्या मरियम चुप रहती, क्या उन्हें अलग बुलाकर नहीं कहती अरे यह तो सिर्फ गलतफहमी है, शरीर वहां आगे है। चलिए मैं आपको एक और बात बताऊं जो स्टोन फिलिप ने डेडलाइन में यहां पर बताई थी। और टेबर ने कहा कि देह तो हटा दी गई थी, लेकिन वो जानते थे कहां पर रखी गई। ये तो जबरदस्त बात है। टेबर एक सम्मानित इतिहासकार है, मैं उनका मजाक नहीं बना रहा। पर जब वे ऐसा कहते हैं अपनी पुस्तक द जीसस डायनेस्टी में, वे कहते हैं शरीर को कहां ले जाया गया मैं जानता हूं, वास्तव में कहां। और वे एक स्थान बताते हैं, ये बड़ा रोचक है, आपने यह कैसे पता लगाया। पता चलता है कि 16वीं शताब्दी का एक यहूदी रहस्यमय प्रणयवादी जिसके सपने में यह बात आई। मुझे याद है क्रेग इवेंस ने कहा था, अगर आप 16वीं शताब्दी के एक यहूदी रहस्यवादी के सपने पर विश्वास करते हैं तो फिर क्यों आप पहली सदी के प्रेरित पौलुस के प्रमाणों पर यकीन क्यों नहीं करते, जहां वे पुनरोत्थित मसीह के साथ अपने अनुभव का स्पष्ट विवरण दे रहे हैं। आप केवल वही चुनते हैं जो केवल आपके विश्वास को बल देता है, यह तो बेतुका है। पर जॉन, आप ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे अगर पूर्वानुमान और अनुभूति के साथ शुरू करेंगे कि अलौकिक तो असंभव है। आपको इसी प्रकार का बेतुका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और न्यूनतम तथ्यों के महत्वपूर्ण होने का यही कारण है। क्योंकि या तो हम हमारे पूर्वानुमानों का पक्ष ले लें, जैसा कि कई इतिहासकार करते हैं, अपने पूर्वानुमानों को स्थापित करने के लिए कोई भी बेतुका बयान दे दो, या फिर सही तालमेल बिठाने की कोशिश करें। इन न्यूनतम तथ्य तालमेल या समानता बिठाने की कोशिश करते हैं। देखो, इन तथ्यों का हमने अध्ययन किया है, 2200 अलग अलग विवरण हैं, मसीही आलोचकों, विश्वासियों और विद्वानों द्वारा लिखित 30 साल के गहन अध्ययन की रिपोर्ट, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश, और पूरे विश्व स्तर पर वे इस यकीन को स्वीकारते हैं। खाली कब्र के विषय भले ही 75% ही एकमत हैं, फिर भी यह बड़ी संख्या है, विशाल बहुमत इन्हीं का है। और मुझे लगता है यही सही तरीका होगा अपने अनुमानों को स्थिर करने का। वे लोग जो मसीहियत के प्रतिपक्ष में नहीं है, अगर वे कहते हैं कि ये तथ्य प्रामाणिक है, मतलब आप केवल अपने अनुमानों पर नहीं बढ़ रहे। जी दोस्तों, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। सुनिए, जब आप इन नई थ्योरी का परीक्षण करते हैं, और ये तो बहुत ही अजीब सी थ्योरी लगती है और ये सच्चाई के साथ में मेल नहीं खाती है, आपको सच्चाई को देखना होगा, हम यही बताना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ और थ्योरीज है, ब्रेक के बाद में हम देखेंगे यीशु की परिवार की कब्र
वो कहते हैं कि उन्हें हड्डियों का एक बक्सा मिला जिसमें यीशु की हड्डियां मिली और वो कहते हैं यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा। इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया और इसे फिर देखना चाहते हैं या हमारे दूसरे प्रोग्राम और विषय को देखना चाहते हैं तो बस हमारे फ्री जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर जाइए या हमारी वेबसाइट पर इसे देखिए jashow.org पर। हम लौट आए। हम चर्चा कर रहे हैं ली स्ट्रोबल के साथ में, जो शिकागो ट्रिब्यून के लीगल एडिटर थे। 13 साल तक ये नास्तिक थे और जब ये यीशु मसीह के बारे में सबूतों को ढूंढने लगे तो ये सहमत हुए कि यीशु सच में मुर्दों में से जी उठा है और इन्होंने अपनी कहानी आपको बताई है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं इन सारे मुद्दों के बारे में जो पिछले 2-3 साल में उठे हैं आधुनिक विद्वानों की, जिसे वो स्वीकार करते हैं कि बात सच है, खास करके कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और उनमें एक विवाद ये है, ये तो बड़ा मुद्दा था जिसके बारे में इन दिनों में सुना नहीं जाता, लेकिन ये बात सच है कि बड़ा मुद्दा था यीशु की पारिवारिक कब्र के बारे में, और खास करके उन्हें हड्डियों का एक बक्सा मिला जिस पर लिखा था यीशु, और उस बक्से में हड्डियां होने के कारण ये बताता है कि पुनरुत्थान नहीं हुआ है। इसे समझाइए। यह दिलचस्प है। मुझे लगता है आपने सही कहा, यह बात खत्म हो गई है और इसके खत्म होने के कारणों में से एक यह है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सही नहीं है, सबूत जुड़ते नहीं दिखते। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इसकी स्वीकृति धीरे धीरे घटती गई। आपने आगे ये भी कहा कि ये सारी घटना होने के एक हफ्ते के बाद ये सारे लोग जो कि अलग किए गए थे वहां पर विशेष लोगों में जेम्स टेबर को छोड़कर सबने इसका इनकार किया। ये बड़ा दिलचस्प है। कई लोगों ने इसे नकार दिया था, उन्होंने कहा उन्हें गलत प्रस्तुत किया गया। पर जब आप किताब को देखते हैं, ये दिलचस्प है कि जेम्स कैमरून जो टाइटैनिक फिल्म के प्रोड्यूसर थे और वे इस किताब के सहलेखक हैं, इस किताब की पहली पंक्ति में वे कहते हैं, मैं इसका संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा, धीरे धीरे कई विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यीशु नामक कोई थे ही नहीं। इसके पढ़ते ही आप समझ जाते हैं इन्हें पता ही नहीं है कोई इसके बारे में नहीं कहता है। क्या बात कर रहे हैं। यह गलत प्रस्तुति है, सबूतों का एक गलत और अविश्वसनीय संग्रह। यह बेतुका बेबुनियादी बयान है। केवल एक मूर्ख सनकी ही यह मान सकता है कि यीशु नाम के कोई थे ही नहीं। साथ ही इससे आपको उनके ज्ञान का स्तर भी पता चलता है, यह उनके विचारों के प्रवाह को भी प्रस्तुत करता है। पर सच्चाई यह है कि उन्हें बाहरी यरूशलेम में कुछ अवशेष मिले और वे दो पुरातत्वविद जिन्होंने इसकी खोज की कहते हैं उन्होंने नहीं माना, उन्होंने यकीन नहीं किया। वे कहते हैं हो ही नहीं सकता, ये यीशु के अवशेष हैं। तो प्रथम दृष्टि में वे खोजकर्ता ही इसे नहीं मान रहे हैं। पर वहां पर कुछ बक्से थे जिनमें वे मृत व्यक्ति के हड्डियों को, अवशेषों को इकट्ठा कर रखते थे। मृत्यु के कुछ समय बाद वे वहां जाकर उस डब्बे में उसे इकट्ठा कर रखते थे। उन पर नाम हुआ करते थे, एक में नाम था यीशु, यूसुफ के पुत्र, और फिर उनके अन्य सदस्यों के भी अलग अलग बक्से थे। एक बक्से में मरियम का भी नाम था, पर उस समय हर चौथी पांचवीं यहूदी स्त्री का नाम मरियम था, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल उस समय में लगभग 1000 लोग ऐसे थे जिनका नाम यीशु था और उनके पिता का नाम यूसुफ था। और अगर आप अन्य बक्सों में अंकित नामों को भी हिसाब में लें तो 11 में केवल एक ही संभावना है इसे यीशु के कब्र होने की। पर यह अन्य तमाम सबूतों को विपरीत ला देगा। गणितीय दृष्टिकोण से संभावना केवल 9% है। साथ ही साथ यह तथ्य कि टीवी पर बक्सों में अवशेषों की संख्याओं की जो बात हो रही थी, 10-20 या जो भी हो, वास्तव में लगभग 30 बक्से थे, और यह और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। इसीलिए यह धीरे धीरे कर सार्वजनिक चेतना से लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कर इसे नकारने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब लोग पूरी दृढ़ता से कहते हैं ये यीशु की कब्र नहीं हो सकती, इसीलिए हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। बिल्कुल। रॉबर्ट प्राइस के बारे में चर्चा कीजिए जो प्रोग्राम में आए थे, और वो तो ये कहते हैं कि 7 हफ्ते के बाद में उसकी देह पहचानने के लायक नहीं रही थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए चेलों ने कहा, देखिए कब्र खाली है, वो साबित नहीं कर पाए कि ये यीशु है। सही है। मेरे लिए बड़ा अजीब है यह कहना। ओह, चेले बड़े चालाक थे। उन्होंने पुनरुत्थान की घोषणा से पहले 7 हफ्ते इंतजार किया। उन्होंने शरीर को विघटित होने के लिए काफी समय दिया, ताकि जब वे वापस कब्र पर जाएं, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि केवल हड्डियां बाकी है। तो देखिए, नंबर एक, यीशु के शिष्य ऐसी योजना क्यों बनाएंगे। मेरे पास एक योजना है। हम 7 हफ्ते इंतजार करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे कि यीशु मृत्यु से जी उठे हैं, क्योंकि मैं अत्याचार सहते हुए मरने के लिए उत्सुक हूं। आओ दोस्तों, हम ऐसा ही करते हैं। इसका तो कोई तुक नहीं बनता। नंबर दो, रोमी अधिकारियों को केवल इतना करना था कि वे यीशु के
कब्र पर जाएं और कहें, देखो यह रहा शरीर, ये लो तुम्हारे यीशु। अब यह जिम्मेदारी शिष्यों की होती कि वे साबित करें कि ये यीशु नहीं है। इतिहास में ऐसा कहीं कुछ अंकित नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। और अगर वास्तव में देखा जाए कि रोमी कब्र पर जाने की या छानबीन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वास्तव में वहां पर शरीर था ही नहीं पर खाली कब्र। जी, यानी जब आप इन आधुनिक विवादों को देखते हैं तो क्या आप चौंक जाते हैं, ये जानते हैं कि ये कितने कमजोर हैं? हाँ, मैं था जॉन, 98 में मैंने केस ऑफ क्राइस्ट लिखा था, जो वास्तव में सबूतों का सार है, जिसने मुझे यकीन दिलाया कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जैसा आपने कहा, तब से ये हमले शुरू हुए। यह इंटरनेट पर मौजूद है, कॉलेज कक्षाओं में यह बेस्ट सेलिंग बुक है, टीवी डॉक्यूमेंट्री वगैरह में मौजूद है। पर मुझे एक क्षण रुक कर कहना पड़ा, रुको, मुझे खुले दिमाग वाला व्यक्ति होना है, मुझे इन आपत्तियों पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। और इसी ने मुझे अग्रसर किया अगले पुस्तक द केस फॉर द रियल जीसस और जॉन। जब मैं जांच करने लगा, मैंने पाया यह हास्यास्पद है, इसमें कोई तुक नहीं, ऐतिहासिक तत्व नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कई विद्वान, स्त्री हो या पुरुष, दोनों इतिहासकार अपनी बातों को साबित करने के लिए बेतुके स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ। जी, शायद कुछ लोग ये कह रहे होंगे, इस समय कह रहे होंगे, स्ट्रोबल, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बहुत ही आकर्षक सुनाई देता है, और सच में मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर इस पर विश्वास करूं तो मुझे जीवन बदलना होगा, यानी मुझे यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा और मुझे विश्वासी होना होगा। जानते हैं क्या, अगर यह सही है, यीशु अपने दावे के अनुसार सही है और परमेश्वर है, और वे चाहते हैं कि हमारा उनसे संबंध हो, वे हमारे सृष्टिकर्ता हैं, तो हमारे जीने का सही मार्ग भी वे जानते हैं। मैंने बिना मसीह के जीवन बिताया है, वह कैसा होता है मैं जानता हूं, और मैं अपनी कोशिशों को जानता हूं, हर प्रकार की अनैतिकता द्वारा सुख और संपूर्णता को ढूंढते जीवन में एक लक्ष्य तलाशते मैं कह सकता हूं, जॉन यह खाली था, खोखला, और अब मैं जानता हूं कि यीशु के पीछे चलना कैसा होता है, और मैं कह सकता हूं यह जीवन भर का एक साहसिक अभियान है। अपने मित्र ईविल के नीवल को मैं याद करता हूं, वे अपने जीवन की आखिरी अवस्था में है, मरणशैया पर है, अधिक समय नहीं रहा उनके पास, अंतिम समय में वे आकर यीशु को स्वीकारते हैं, जीवन भर के पापों से वे क्षमा पाते हैं, शराबी जीवन, अनैतिकता सबसे, अब वे आनंद से भरपूर हैं, शांति, खुशी और कृतज्ञता से भरे हुए। मुझसे कहते हैं, ली, काश मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे बिताया होता, पर अब वे अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं। मेरे ससुर एक नास्तिक, 89 साल की उम्र तक वे यीशु से दूर रहे, अपने मृत्यु से थोड़े समय पहले ही उन्होंने यीशु को स्वीकारा। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का अनुग्रह उस पड़ाव पर भी उन्हें क्षमा कर रहा है, पर कितनी बड़ी क्षति, काश वह यीशु के साथ का वह रोमांचक अनुभव पहले कर पाते अपने जीवन में, काश वे पहले जान पाते कि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के साथ का अनुभव कैसा है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आप इससे वंचित नहीं रहना चाहेंगे, यह जीवन का सार है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं भी इस समय विश्वास करता हूं स्ट्रोबल, लेकिन ये विश्वास करने से बढ़कर है, यानी ट्रेन अभी इस समय स्टेशन पर है और आप यहां पर बस केवल ऐसे बैठे हुए हैं, ये ऐसी बात है जहां पर केवल विश्वास ही नहीं करना लेकिन काम भी करना है। इसका मतलब क्या है, कैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दे सकते हैं, यीशु के साथ में व्यक्तिगत संबंध कैसे शुरू कर सकते हैं? यूहन्ना 1:12, मुझे याद है किसी ने मुझे बताया था, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, उनके नाम पर विश्वास लाने वालों को। और मेरे लिए मानो यह परमेश्वर की संतान बनने का समीकरण बन गया, विश्वास प्लस प्राप्त इक्वल्स बनना। मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूं इन सबूतों के आधार पर, कैसे न मानो। आपका खुलापन आपको कहां ले जाता है, एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर, पुनरुत्थान द्वारा स्थापित हुआ कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। इतना काफी नहीं, बाइबल कहती है दुष्टात्मा मानते और डरते भी हैं, मसीही सिद्धांतों से सहमत होना मात्र काफी नहीं, इतना काफी नहीं कि आप केवल किनारे पर बैठकर सर हिलाते हुए कहें, हाँ उसने सही कहा, यह तो सही है। एक मिनट, कभी ना कभी विश्वास प्लस प्राप्त करना आवश्यक है, उनकी क्रूस की मृत्यु को स्वीकारना जरूरी है, अपने जीवन में अपनाना। हमारे विकल्प के तौर पर वे मारे गए, हमारी गलतियों का मूल्य चुकाने वे मारे गए, कि हमें उपहार के तौर पर क्षमा दे सकें, कि हम प्राप्त कर पाएं, कि हम मसीह को प्राप्त करने द्वारा उद्धार प्राप्त कर पाएं, कि हम व्यक्तिगत तौर पर उनसे संबंध बना पाएं, और यह जाने कि मृत्यु के पश्चात हम उनके साथ स्वर्ग में निरंतरता के लिए होंगे, यह वास्तविकता है। और मुझे याद आती है मेरी बेटी, शुरू के 5 साल अपने पिता के बारे में केवल इतना जानती कि वे क्रोध करने वाले, चिल्लाने वाले एक नशेड़ी हैं, और फिर वह देखती है कि कैसे
परमेश्वर ने इस भयानक व्यक्ति को बदला और स्वयं उसे भी। और जॉन, अगर मैं उसे यहाँ लाया होता और इस कुर्सी पर बैठते हुए और देखने देता खासकर उन पिताओं को और कहता, परमेश्वर के इस प्रस्ताव में ऐसा क्या है जो आप नहीं चाहते? ऐसा क्या है कि आप अपने पापों की क्षमा नहीं चाहते? भूत, वर्तमान और भविष्य के ऐसा क्या है जो सृष्टिकर्ता के पास आने से आपको रोक रहा है? स्वर्ग में उनके साथ अनंतता को बिताने के विषय आप क्या सोचते हैं? इस निशुल्क प्रस्ताव में ऐसा क्या है कि आप नहीं चाहते? मुझे लगता है वह कहती, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए इस प्रस्ताव को मत ठुकराओ। अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संतानों के लिए इसे करो। जी दोस्तों, सुनिए, कुछ लोग इस प्रोग्राम को काफी समय से देख रहे हैं और इन बातों के साथ में सहमत हैं, लेकिन आप कुर्सी पर से उठकर इस खेल में नहीं जुड़े हैं। आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है। आपको ऐसा करना जरूरी है और शायद ये वही समय है। मैं चाहता हूँ कि ली प्रार्थना करें। यही प्रार्थना करके उन्होंने यीशु को एक समय अपने जीवन में बुलाया था। और अगर आज आप हिम्मत रखते हैं, इन सबूतों पर विश्वास करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और साबित किया कि वो परमेश्वर है, ठीक है, तो फिर बात यह है कि क्या आप यीशु को अपने दिल में आकर उसे उद्धार देने देंगे कि वो आपके जीवन में आए और आपको पूरी तरह क्षमा करें? क्या आप यही चाहते हैं? क्या इस पर कोई और मुद्दा है? अगर नहीं तो ली के साथ में ये प्रार्थना दोहराएं। ली कहें, प्रभु यीशु, मैं जानता हूं मैं पापी हूं। मैंने कई गलत कार्य किए हैं। मैं जानता था वे गलत हैं, फिर भी मैंने किए। और मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं। मैं उनसे फिरना चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी क्षमा और अनंत जीवन के वरदान को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपने क्रूस की मृत्यु द्वारा मुझे दिया। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अनंत जीवन दें कि मैं स्वर्ग में आपके साथ वास करने पाऊं। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, कि आप मुर्दों से जीवित हुए मसीह हैं, और इस समय मैं आपको स्वीकारता हूं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे सबसे करीबी प्रिय मित्र बन जाएं। आमेन, आमेन। दोस्तों, अगले हफ्ते इस बात को हम फिर से फेरेंगे और इसे अलग तरह से देखेंगे। कहिए कि इन आधुनिक डॉक्यूमेंट्स में, यानी जो प्राचीन काल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें कुछ नई विचारधारा दिखती है अद्भुत यीशु के बारे में। कुछ विद्वान कहते हैं ये तो बस उसी समय आया जबकि 400 समाचार आए थे, तो ये एक अलग मसीहत है, ये तो एक और यीशु है। ये आपके लिए संभव है कि आप उसके पीछे चलें? क्या ये बात सच है? और यीशु पर जो हम पारंपरिक विश्वास करते हैं, क्या हम उसे छोड़ दें? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप सीखेंगे कि ऐसा क्यों है। आशा है कि आप फिर से जुड़ जाएंगे। आज हमारे साथ द जॉन एंकरबर्ग शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप मसीह विश्वासी बनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर और क्लिक कीजिए एक विश्वासी बने, जो हमारे होम पेज के ऊपर आप देखेंगे। और यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप में जानकारी पाएंगे कि अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत संबंध कैसे बनाएं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या हमारे दूसरे प्रोग्राम और विषय को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर और क्लिक कीजिए वॉच पर। अगर अपने स्मार्टफोन पर हमारे प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो अपने ऐप स्टोर में जाइए और डाउनलोड कीजिए हमारी फ्री द जॉन एंकरबर्ग शो ऐप। और इसमें हमारे 60 से अधिक टेलीविजन प्रोग्राम होंगे जो आप कहीं भी किसी भी जगह पर मुफ्त में देख सकते हैं। आपके लिए उपलब्ध और भी बहुत सी जानकारी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए अगले हफ्ते जरूर जुड़ जाइए। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जी हम कैसे जानेंगे कि शास्त्रियों ने वचन में कोई हेर फेर नहीं की है, यानी हमारे पास जो है शायद प्रेरितों ने नहीं लिखा? खैर, वास्तव में हम ये जानते हैं कि उन्होंने कई बार पाठ के साथ छेड़छाड़ की, और पाठ को बदलने के मामले में उन्होंने जो प्राथमिक चीजें की थी वो यह था कि उसे और अधिक स्पष्ट बनाया। उदाहरण के लिए मार्कूस के अध्याय 6:8 में 99वें वचन में, जिसमें यीशु को नाम से या शीर्षक से एक बार उल्लेख नहीं किया गया है, और इसीलिए लेख उसमें शब्दों को जोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए 3 अलग अलग जगहों में वो नाम जोड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इन लेक्शनरीज में, इन मरने के बाद के पुस्तक जिसे चर्च सप्ताह के बाद सप्ताह पढ़ता है, इस सप्ताह का यही भाग है। आप केवल इसके साथ शुरू नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने पाठ को बदला। लेकिन पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने के 1400 साल की अवधि में
पांडुलिपियों में केवल 2% की वृद्धि हुई। अब मुझे लगता है कि यह एक ऐसा निवेश नहीं है जिसमें कि कोई भी कभी भी शामिल होना चाहेगा। इसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन 1400 वर्ष में पाठ की 2% वृद्धि एक पर्याप्त बदलाव नहीं है। इनमें मतभेद है, यह सच है। डरल ऐतिहासिक इशू के बारे में जो सच्चाई है और ये जो तथ्य हैं दूसरों के जैसे ही हैं। आपके पास में अब्राहम लिंकन की जानकारी, जो एक समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, क्या वो फोर्स थिएटर में मरे थे या फिर केले के छिलके पर से पैर फिसल कर मरे? बात यह है कि ये तो ऐतिहासिक जानकारी है, हमें उसे देखना है और ये नहीं सोचना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये किसी और प्रेरणा से लिखे हैं। ठीक है। और इसी कारण हम इतिहास में वापस जाते हैं और जूलियस सीजर के उस समय में आते हैं और उसके बगल में यीशु मसीह था, यानी हमारे पास ये सारी जानकारी जो विद्यार्थी इसे देखते हैं। तो क्या इसे अचूकता और प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए या उन विचारों से जो बाद में आए, हम इसे कैसे शुरू करेंगे? खैर, मैं यीशु से शुरू करता हूँ और ये भी मान लो कि यदि नए नियम में यीशु की कहानी का सार है, जो कि संभव है, तो ये लोग यीशु के साथ रहते थे और चलते थे। वह जानते थे कि वह कौन था, वह जानते थे कि वह क्या सिखाता था। यदि उन्हें कहानी का सारांश मिल गया था तो मुझे पता है कि ना केवल यीशु की शिक्षा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यीशु एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर की योजना के लिए महत्वपूर्ण था और उस संदर्भ में वह उसे और उनके संदेश को गले लगाता है और उसे गंभीरता से लेता है। वह मानव स्थिति के बारे में क्या कह रहा था? वास्तव में मनुष्य की स्थिति के साथ सृष्टि की स्थिति भी यीशु के काम का उद्देश्य है और यदि वह उस पर एक गंभीर नज़र डालेगा तो वह पूछेगा, क्या हम ऐसे धर्म का आविष्कार करेंगे जो कहता है कि हम सभी की ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं जिसे कि हम स्वयं पा नहीं सकते? यह सांस्कृतिक रूप से सही नहीं है, यह विश्वव्यापी रूप से सही है। और मुझे लगता है कि जब आप यीशु के पास आते हैं और उसे गले लगाते हैं, आप देखते हैं कि वह कितना सम्मान से बाइबल को संभालता है। और आपने मुझे ये भी बताया कि यह ऐतिहासिक रूप में सही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ और अब ये एक निश्चितता का मामला नहीं है, लेकिन मैं एक स्वकार्य बात कर रहा हूँ। ऐतिहासिक रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ईसाई विश्वास यीशु मसीह के बारे में यह सही कहता है। संभव है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे या आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए फोन नंबर पर अभी आप हमें फोन कीजिए। इस पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अगले हफ्ते इसी समय आप हमारे साथ फिर जुड़ जाएंगे और यीशु मसीह के साथ में संबंध कैसे शुरू करें ये सीखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर।